दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी के बुटीक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अस्तर वाली पैंट कटिंग करने का तरीका, ठीक है। मगर पैंट कटिंग करने से पहले सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट देख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। लंबाई आएगा 38 इंच का, थाई आएगा 23 इंच का, घुटने का राउंड आएगा 16 इंच का, बॉटम आएगा 12 इंच का, और कमर आएगा 35 इंच का, और हिप आएगा 40 इंच का। इसी मेजरमेंट से हम लोग आज का अस्तर वाला पैंट कटिंग करना सीखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए एक मेन कपड़ा इसको रखते हैं साइड में। अब पैंट कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ए लाइन मारना पड़ता है सीधा, और फिर 1 इंच छोड़कर इधर हम लोगों को लाइन मारना पड़ता है। अब पैंट कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इस मेजरमेंट टेप को इस मार्किंग से 1 इंच ऊपर रख कर देना है बेल्ट के लिए, ठीक है। ऊपर कर देंगे, लंबाई 38 इंच का है तो 38 इंच पर मार्किंग कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद से हिप है 40 इंच का, तो 40 को 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। और इसके बाद 1.5 इंच और रखेंगे लूजिंग, ठीक है। और सेम इधर भी ऐसे ही करेंगे, इधर कर देंगे 1 इंच, ये 10 पे कर दिया और 1.5 इंच बड़ा और कर दिया, और यहां पर लंबाई रख दिया 38 इंच, ठीक। अब इस पट्टी से यहां से एकदम सीधा मार्किंग करेंगे, ये देखिए ऐसे, और फिर लंबाई का मार्किंग कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद कमर आगे अगर बेल्ट रहता है, ठीक है, उसके लिए बता रहा हूं। कमर है 35 इंच का, तो 35 का चौथा भाग होगा 8.5 इंच, 200, ठीक है। तो यहां पर रख देना है, वहां पे कमर का चौथा भाग यहां पे ऐसे रख देंगे, ये हो गया। और इसके बाद से 1 इंच और रख देंगे हमारा डाट लगाने के लिए, ठीक है। ये सामने बेल्ट आएगा, पीछे इलास्टिक आएगा, उसके लिए बता रहा हूं फॉर्मूला। अब देखिए इस मार्किंग ऊपर हम लोग हिप जो है उसके हिसाब से रखेंगे। हिप है 40 इंच का, तो 40 का चौथा भाग आएगा 10 इंच, तो हमारा 10 हो गया ये, और 1 इंच हिप में लूजिंग के लिए और 1.5 इंच घुमाव देने के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये मार्किंग जो है हम लोग इस यहां पर रखेंगे ऐसे, और इसको रखेंगे यहां पर, ठीक है, और सीधा मार्किंग ऐसे ले लेंगे, ठीक। और ये घुमा दे देंगे ऐसे, यहां से इस मार्किंग से जहां पे 1.5 इंच बढ़ाया है यही से हम लोग घुमा देंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे घुमा दे देंगे, ठीक। इतना होने के बाद 12.5 इंच हमारा आ रहा है, और 12.5 का आधा कितना होता है 6 इंच, 200 आधा कर लेंगे, मार्किंग कर देंगे आधा पे, इधर भी सेम, और ये रखेंगे स्केल से सीधा मार्किंग कर लेना है। ये सेंटर निकाल लिया हमने पैंट का, सेंटर निकालने का फायदा ही होता है, पैंट जो है एकदम सीधा बैठता है, ऐसे ऐठाता नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब बॉटम कितना रहेगा, बॉटम 12 इंच का है, तो इसी सेंटर से 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, ये हमारा 6 आ गया, 6 दूना 12 होता है, ठीक। इतना मार्किंग होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1 इंच ऊपर कर देंगे, और फिर से देखिए करना है क्या मार्किंग। अभी देखिए हमारा घुटने जो लेंथ है ऊपर से 21 पे है, तो हमारा 21 आ रहा है यहां पर, ठीक है, यहां कर दिया, और
21 पे एक लाइन लगा देते हैं सीधा मार्क में, ये घुटने का हमारा लेंथ हो गया ये ऊपर से। तो यहाँ का जो गोलाई है वो गोलाई है 16 इंच का, ठीक है। तो इधर रखेंगे 4 इंच इस मार्किंग से ही, 4 इंच इधर और 4 इंच इधर, तो कितना आ गया 8 इंच आ गया, हो गया है। तो 8 × 16 होता है, तो हमारा 16 का इसका गोलाई है। तो इसमें हम लूजिंग डालेंगे 1 इंच का, तो देखते हैं पट्टी रख के देखते हैं इसमें लूजिंग, इस पट्टी से कर काटते हैं तो इसमें लूजिंग कितना भर रहा है ये देखते हैं, फिर इसको ठीक करते हैं। अब देखिए यहां से यहां मिला देंगे और इस पट्टी को फिर ऐसे ऊपर करके, तो देखिए ऐसे करके ऐसे दे देंगे, ये हो गया। अब कमर का बेस देखते हैं, ऐसे रखेंगे सॉरी ये साइड का कमर रही है, समर तो ऊपर है, ये साइड का ऐसे मार देंगे मार्किंग, और फिर यहां से ऐसे करके ऐसे, ये देखिए ये कितना अच्छा यहाँ पे आकार हमारा बन गया है। और पैंट का ये फ्रंट पार्ट काट रहा हूँ पहले, अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पर कोना निकलता है, तो इस पट्टी को ऐसे रखेंगे और यहाँ मिलाएंगे यहाँ पे, और देखेंगे ऐसे रख के कि कितने इंच का हमारा इसमें, देखिए यहाँ पर हमारा आधा इंच का वो बना है, तो इसको यहाँ पे ऐसे रख कर पट्टी ऐसे मार्किंग कर देंगे। अभी देखिए इसको नहीं कट करेंगे, ये देखिए अभी कैसे इतना अच्छा कार दिख रहा है पैंट का, इधर से भी ये है पैंट का एकदम परफेक्ट तरीका। यहाँ पर जो बाहर निकलता है इतना, इसको ऐसे रख के मार देंगे पट्टी, एकदम फिटिंग में अच्छे से बैठेगा, ठीक है। अब थाई है 23 इंच का, तो 23 का आधा होता है 11.5 इंच, देखते हैं कितना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा थाई तो यहीं पे आएगा, ये बराबर 11.5 इंच का आ गया है, ठीक है ये थाई यहाँ पर। चलिए अब इसको कट कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसे कट करेंगे, ये देखिए ऐसे कट कर दिया। अब इधर मार्किंग पे ऐसे, ये देखिए ठीक। अब ऊपर से इंच मार्किंग से ऊपर आधा इंच छोड़ेंगे बेल्ट लगाने के लिए, मार्जिन जो है वो छोड़ देंगे और सीधा कट कर लेंगे, और यहां से इसको यहीं से कट कर लेंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक है ये कट हो गया। अब जो है इस साइड का हम लोग कट करेंगे, इस साइड से कट करने से पहले हम मार्किंग पे नहीं कट करेंगे, ये बात ध्यान में रखना है, हमको आधा इंच छोड़ देना है दबाव के लिए फिर कट करना है। देखिए ये देखिए ऐसे ही कट करना है, दबाव के लिए आधा इंच छोड़ना बहुत जरूरी है, वो छोड़ देना है फिर कट करना है। ये देखिए जैसे आप लोगों को दिख रहा है इस वीडियो में, ठीक है। अब इसका बैक पार्ट जो है वो कटिंग करना सीखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको प्रेस करके मिलता हूं मैं आपको, ये हमारा प्रेस मार्कर हो गया है। अब इस बैक को इसके ऊपर रखेंगे और पूरा खींच के ऐसे नीचे कर लेना है इसको, ठीक पूरा नीचे कर लेना है हल्का से, इसको मैं ऊपर लेता हूं, हाँ ये देखिए इसके ऊपर नीचे तक कर लेना है, इसको ऐसे रख देना है, ठीक। अब इसके बाद से बैक पार्ट कटिंग करना वो सीखेंगे, ये देखिए सीधा मार्किंग करना है, इधर भी करना है सीधा मार्किंग, ऊपर भी सीधा मार्किंग कर लेंगे। अब ये होने के बाद अब यहां से इस लाइन से 1 इंच ऊपर हम लोग बेल्ट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और इस बड़े पट्टी को लेंगे एकदम सीधा पूरा मार्किंग से खींच लेंगे, अब लोग दिख रहा होगा ये हमारा समझिए बेल्ट है, ठीक है।
इतना काम होने के बाद हम लोग इधर बढ़ाएंगे कितना, इधर हम लोग 1.5 इंच बढ़ाते हैं, ये 1.5 इंच हमारा बढ़ा दिया हूँ, ठीक। और यहाँ बढ़ाता हूँ मैं 1 इंच का सिर्फ, ये देखिए, ठीक। और यहाँ भी रखता हूँ मैं 1.5 इंच का, ठीक है। तो ये पट्टी लूंगा और पट्टी लेने के बाद इसको यह मिलाऊंगा और फिर यहीं से इधर ऐसे मिल जाऊंगा, ठीक। अब क्या करना है, यहां मैं बढ़ाऊंगा 1.5 इंच किधर भी, ये देखिए, और यहां पर रखना है इसको, और इसको यहां ऐसे रखना है और मार्किंग एकदम सीधा ऊपर तक करना है, और इस मार्किंग से ऊपर यहां से 1.5 इंच से घुमाव देना है, ठीक है। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहीं से, यहां से नहीं, यहां से, ये देखिए एक और यहां पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि तो अभी कस्टमर अगर बोल दे मेरे को पैंट को लूज करना है तो कैसे लूज करूंगा मैं, तो जगह तो रखना जरूरी है ना, तो इसीलिए मैं यहां से ऐसे मार्किंग कर दूंगा, ठीक है। अब ये हो गया, इतना होने के बाद तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे करके इधर मिल जाएंगे, ये हम नहीं सिल लेंगे, हम सिलाई यहीं पे करेंगे इसी मार्किंग पे, ये हम लोग छोड़ देंगे इसे, मतलब जब कटिंग करेंगे, जब इसे सिलेंगे तो इसे छोड़ देंगे, हम सिलाई इस पे करेंगे, भविष्य में खोल के बड़ा कर लूज कर सकते हैं, ये अगर मार्जिन रहेगा तो, ये रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए अगर जो मार्किंग दिख रहा है, बेल्ट दिख रहा है, तो बैक साइड जो होता है हमेशा 1.5 इंच 2 इंच बड़ा होता है, जिप का साइज अगर ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, उसमें क्या करना होता है, 2 इंच रखना पड़ता है, जैसे जैसे हिप साइज बढ़ता जाता है वैसे भी बढ़ता जाता है, फिलहाल हमको यहाँ पर रखना है 1.5 इंच, एक्स्ट्रा रख दिया, पीछे का हो गया। अब इसको ऐसे मार्क कर लेना है, ठीक है। अब इसमें आपको अगर इसमें ही बैग वाले में इलास्टिक के लिए अलग से कपड़ा ना लगाना पड़े तो ऐसे मार्किंग मार लीजिए, रख लीजिए यहाँ पे इतना इलास्टिक के लिए, अगर अलग से कपड़ा लगाना है इलास्टिक का, फिर आप लोग ये मार्किंग छोड़ थोड़ा सा कट कर लीजिए, अलग से कपड़ा लगाइए, मगर हमको इसमें ही मतलब इलास्टिक के लिए कपड़ा रखना है, ये अच्छा रहता है थोड़ा मतलब, और फिटिंग में से अच्छा आता है और सिलना भी आसान होता है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग यहीं से इसको सीधा इसे कट कर देंगे, ये कट हो गया। अब यहां से ऐसे कट करेंगे, ये देखिए कट हो गया। अब नीचे से हल्का सा सीधा कर लेंगे कट करके, अब यहां से इसको देखिए ऐसे कट करना है, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा कट हो गया। अब उसके बाद से यहां से कट करेंगे, मगर एक बार हिप जो है चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये 40 हो गया, ये तो हमारा 40 हिप हो गया, यहां से 10 है ना, 10 को 40 हो जाएगा, ये तो हिप का हो गया। अब इसमें जो बचेगा, ये बच रहा है हमारा, ये 2 इंच बच रहा है, इसमें जाएगा इतना, आधा इंच जाएगा इसमें जाएगा, तो हमारा इसमें क्या है 3.5 इंच का इसमें लूजिंग मार रहा है, तो हल्का सा हमको थोड़ा सा और लूजिंग बढ़ाना चाहिए, कम से कम 4 इंच का हिप में लूजिंग चाहिए, ठीक है। तो ये काटेंगे, हल्का से छोड़ देंगे, आधा इंच छोड़ कर कटिंग करेंगे, देखिए, और यहीं फिर से यहीं पर ऐसे कट कर देंगे, ठीक। अब इसमें हमारा हिप में 4 इंच की लूजिंग आ गया है, हिप 40 का है, तो सिलने के बाद जो है, देखिए इसको ऐसे करके यहां पर ऐसे रखेंगे इसको, अब इसको नापते हैं, देखिए 11 आ रहा है, 11 जो कितना हो गया 44 हो गया, और हिप कितने का 40 का, तो 4 इंच का इसमें लूजिंग बन गया है, ठीक है।
तो फिटिंग जो है एकदम परफेक्ट बैठेगा। यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे और यहाँ पर भी एक ऐसे लाइन मार लेंगे, ये इस बाजू भी दिखे दिख रहा है देखिए ऐसे, और फिर यहाँ पर ऐसे ये लाइन मार लेंगे कि दोनों पैर में नीचे भी यहाँ पर आराम से दिखे। ठीक है, अभी इसको सिल लेंगे हम लोग, अभी दिखाते कैसे रखेंगे उसको। पहले एक डार्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है, ये देखिए ये हमारा डार्ट के लिए ऊपर से 5 इंच पे डार्ट हो गया इसका, ऐसे देखिए ये हमारा डार्ट हो गया। ठीक, अब इसके बाद से हम इसको कैसे रखे सिलेंगे, यहाँ अपने रखेंगे हम लोग यहीं पर रखेंगे ऐसे, ये देखिए, और इतना जो है ये इधर रहेगा, जब जैसे सिलाई मतलब इधर ही ऐसे सिलाई मारेंगे, इतना छोड़ देंगे। कस्टमर बोलेगी बाद में, बोल देगी कस्टमर कि मेरे पैंट टाइट हो रहा है, सिलाई खोल देंगे, इसको उठाकर यहाँ पर रखकर सिलाई मार देंगे ऐसे। ठीक है, तो रखने का ही फायदा होता है। तो आज हमारे पैंट का कटिंग पूरा हो गया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और इस वीडियो को कम से कम एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। ठीक है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।